नमस्कार दोस्तों, तो मोटरोला ने आज लॉन्च कर दिया अपना मोटरोला H20 फ्यूजन और मोटरोला H20 दोनों ही स्मार्टफोन, मतलब टोटल तीन स्मार्टफोन बहुत ही कमाल के प्राइस में लॉन्च हुआ है। और इस वीडियो में देखेंगे ये जो 21,000 रुपए पे जो मोटरोला H20 फ्यूजन लॉन्च हुआ है, क्या 21,000 रुपए पे ये स्मार्टफोन बेटर है या फिर जो ऑलरेडी आईक्यू Z3 नाम का स्मार्टफोन उसी प्राइस पॉइंट में अवेलेबल है वो बेटर है, इस वीडियो में जिसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई बात के। बाद आज का वीडियो शुरू करने से पहले इस कंपैरिजन वीडियो पे मैं पिछले बार के जैसा एग्जैक्टली सेम डिजिटल कीवे करने वाला हूँ, उसका क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है वो जानने के लिए वीडियो प्लीज पूरा अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते आज का कंपैरिजन। तो दोनों स्मार्टफोन का हम कंपैरिजन शुरू करेंगे दोनों के कलर को देख के। ये जो मोटरोला H20 फ्यूजन, इसका टोटल दो कलर लॉन्च हुआ है, एक ग्राफाइट और एक टील। अभी टील क्या कलर है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से टील मतलब एक ग्रीन और ब्लू का जो मिक्सचर, यही दरअसल टील कलर है। और ये जो IQOO Z3, इसका टोटल दो ही कलर अवेलेबल है, ब्लैक और ब्लू। अगर दोनों के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको पीछे पॉलीकार्बोनेट मतलब नॉर्मल प्लास्टिक बैक कवर देखने को मिलता है। और अगर डिजाइन के बारे में बात करें, मेरे पर्सनल चॉइस के हिसाब से दोनों ही बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर हम दोनों के डायमेंशन के बारे में बात करें, मोटरोला का थिकनेस है 8.3 मिलीमीटर और इसका वेट है 185 ग्राम। और IQOO Z3 का थिकनेस है 8.5 मिलीमीटर और इसका भी वेट है 185 ग्राम। तो मतलब दोनों स्मार्टफोन का जो ओवरऑल थिकनेस और वेट एग्जैक्टली सेम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के डिस्प्ले के मामले में, क्योंकि इस मामले में दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहला तो हम नॉच के बारे में बात करेंगे। ये जो IQOO Z3 इसका नॉच हमें मिलता है थोड़ा सा वी शेप का नॉच, लेकिन ये जो मोटरोला इसका नॉच हमें मिलता है एग्जैक्टली डॉट शेप का नॉच। तो इस मामले में मोटरोला ऑब्वियसली बेटर है। मोटरोला में आपको मिलेगा 6.7 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जिसका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है 90 हर्ट्ज। लेकिन IQOO Z3 में आपको मिलेगा 6.58 इंच फुल एचडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले, इसका स्क्रीन का रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज। तो इसका मतलब ये जो मोटरोला इसका डिस्प्ले का साइज ज़्यादा है और इसका कलर रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा है कम्पेयर टू IQOO Z3। लेकिन IQOO Z3 का डिस्प्ले वही सब लोगों के लिए सबसे बेटर होगा जो लोग हाई FPS वाला गेम खेलते, मतलब स्पेशली 90 FPS से भी ज़्यादा जो लोग गेम खेलते उन लोगों के लिए ये जो 120Hz डिस्प्ले ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों स्मार्टफोन में जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो आपको मिलता है 90% के आसपास और दोनों स्मार्टफोन में आपको कोई भी गोइला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम डिस्प्ले के कुछ बाकी के फीचर के बारे में बात करें, मोटो पे कोई टच सैम्पलिंग रेट है या फिर नहीं अभी तक इसके बारे में कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन IQOO Z3 में आपको 180Hz टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। और मैंने आपको हमेशा ये चीज़ कहा है कि जब किसी स्मार्टफोन में हाइयर टच सैम्पलिंग रेट होता है इसका मतलब वो स्मार्टफोन गेमिंग में सबसे बेटर परफॉर्म करेगा। लेकिन ये जो मोटरोला H20 फ्यूजन, इसमें आपको HDR10+ सर्टिफाइड डिस्प्ले मिलेगा, लेकिन IQOO Z3 में आपको सिर्फ HDR10 सर्टिफाइड डिस्प्ले मिलेगा। मोटो का जो डिस्प्ले का क्वालिटी वो दरअसल 10-bit डिस्प्ले, मतलब इसमें आपको और भी ज़्यादा नंबर ऑफ कलर्स देखने को मिलेगा, लेकिन IQOO Z3 में आपको पुराने जनरेशन का 8-bit डिस्प्ले मिलेगा। तो मतलब घुमा फिरा के यही चीज़ कह सकते, अगर आप गेमिंग पर्पज से लेना चाहते तो IQOO Z3 थोड़ा सा बेटर होगा, लेकिन अगर आप स्पेशली एंटरटेनमेंट या फिर ऑलराउंड स्मार्टफोन की सबसे लेना चाहते तो मोटरोला H20 फ्यूजन का डिस्प्ले आपके लिए सबसे बेटर होगा। नेक्स्ट अगर हम दोनों के CPU के बारे में बात करें, मोटो पे आपको मिलेगा Dimensity 800U प्रोसेसर जो कि 7 नैनोमीटर पे बना है, और ये जो IQOO Z3 इसमें आपको मिलेगा Snapdragon 768G प्रोसेसर, ये भी बना है 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे। और अगर हम AnTuTu स्कोर के बारे में बात करें तो दोनों प्रोसेसर का AnTuTu स्कोर है 3,40,000 के आसपास। तो मतलब CPU परफॉर्मेंस में दोनों स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट अगर हम दोनों के CPU कूलर के बारे में बात करें, मोटो पे आपको कोई भी इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम देखने को नहीं मिलता, लेकिन IQOO पे आपको एक लिक्विड कूलिंग का फीचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के कैमरे के मामले में, मोटो पे आपको मिलेगा 108 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा उसके साथ डुअल LED फ्लैश, और फ्रंट में आपको मिलेगा 32 मेगापिक्सल का कैमरा उसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। लेकिन IQOO Z3 में पीछे आपको मिलेगा 64, 8 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा उसके साथ डुअल LED फ्लैश, और फ्रंट में आपको मिलेगा 16 मेगापिक्सल का कैमरा इसके साथ कोई डेडिकेटेड फ्लैश नहीं। तो इसका मतलब इधर क्लियरली मोटरोला बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा के मामले में बेटर है। और ये तो आपको मालूम ही है मोटरोला का कैमरा ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत ही बढ़िया होता है, तो मतलब कैमरे के मामले में मोटरोला ऑब्वियसली बेटर है। नेक्स्ट अगर हम दोनों के रैम और रोम के बारे में बात करें, मोटरोला का सिर्फ 2 वेरिएंट अवेलेबल है, 6 120GB और 8 120GB। IQOO Z3 का टोटल 3 वेरिएंट अवेलेबल है, 6 120GB, 8 120GB और 8 256GB।
मोटोरोला और आईक्यू दोनों भी आपको वन प्लस वन का स्लॉट मिलता है, मतलब हाइब्रिड सिम का स्लॉट देखने को मिलता है। अगर हम दोनों के रैम और रोम क्वालिटी के बारे में बात करें तो इधर आपको दोनों स्मार्टफोन में LPDDR4X क्वालिटी का रैम और UFS 2.2 क्वालिटी का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोनों के ऑडियो के मामले में। ऑडियो के मामले में सैडली इधर दोनों स्मार्टफोन में मॉडर्न जनरेशन का डुअल स्टीरियो स्पीकर देखने को नहीं मिलता। इसके बाद अगर दोनों के बैटरी के बारे में बात करें, मोटो पे आपको मिलेगा 5000 mAh बैटरी उसके साथ 30 वाट का फास्ट चार्ज और आईक्यू पे आपको मिलेगा 4400 mAh बैटरी इसके साथ 55 वाट का फास्ट चार्ज। और एक चीज मुझे देख के बहुत ही बढ़िया लगा, मोटोरोला ने भी फाइनली थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का फास्ट चार्ज देना शुरू किया है, क्योंकि इससे पहले मोटोरोला बस 15 वाट या फिर 20 वाट का चार्जर देता था। लेकिन अगर हम ओवरऑल चार्जिंग के बारे में बात करें, इस मामले में आईक्यू Z3 ऑब्वियसली बेटर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोनों के पोर्ट के मामले में, तो इधर दोनों स्मार्टफोन में आपको 3.5mm जैक मिलता है, दोनों पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो इस मामले में दोनों एग्जैक्टली सेम। अगर हम दोनों के OS के बारे में बात करें, दोनों स्मार्टफोन में आपको करेंटली एंड्रॉइड 11 मिलता है। ये जो मोटोरोला है इसका यूजर इंटरफेस स्टॉक एंड्रॉइड, तो इसका मतलब इसमें आपको टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट और जो मंथली सिक्योरिटी पैच वो भी मिलेगा। लेकिन आईक्यू Z3 उसमें आपको मिलता है एंड्रॉइड 11 का यूजर इंटरफेस है फन टच OS, मतलब आप में से जिन जिन लोगों ने वीवो कंपनी का यूजर इंटरफेस इस्तेमाल किया एग्जैक्टली सेम यूजर इंटरफेस आपको इसमें देखने को मिलेगा। और फाइनली अगर हम दोनों के प्राइस के बारे में बात करें, मोटोरोला का 6 120GB का प्राइस है 21,500 रुपए और 8 120GB का प्राइस है एग्जैक्टली 23,000 रुपए। दोनों स्मार्टफोन बहुत ही परफेक्ट प्राइस में लॉन्च हुआ है। और ये जो आईक्यू Z3 इसका 6 120GB का प्राइस है 20,000, 8 120GB का प्राइस है 21,000 और 8 256GB का प्राइस है 23,000 रुपीज। तो आप बड़ी इस वीडियो के कंक्लूजन की, तो एग्जैक्टली सेम प्राइस पॉइंट मतलब 22,000 रुपए पे कौन सा बेटर है, मोटो या फिर आईक्यू? नेक्स्ट साथ देखने के बाद आपका सारा कंक्लूजन क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते, अगर आप सेम प्राइस पॉइंट मतलब एग्जैक्टली 22,000 रुपए पे मोटो के साथ जाते तो आपको मिलेगा बहुत ही ज्यादा बेटर क्वालिटी डिस्प्ले, बेटर क्वालिटी कैमरा और स्टॉक एंड्रॉइड का फीचर। लेकिन अगर आप आईक्यू Z3 के साथ जाते तो आपको मिलेगा 120Hz डिस्प्ले रेट, 180Hz टच सैम्पलिंग रेट, लिक्विड कूलिंग का फीचर और बेटर क्वालिटी चार्जर। अब देखिए ये जो फाइनल चार्ट ये देख के आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो आईक्यू Z3 ये दरअसल एक ऑलराउंड गेमिंग स्मार्टफोन है। लेकिन ये जो मोटोरोला का स्मार्टफोन लॉन्च हुआ ये दरअसल एक प्रॉपर ऑलराउंड स्मार्टफोन है, क्योंकि देखिए ये जो मोटोरोला के स्मार्टफोन में सब कुछ देखने को मिलता है, बिगर बैटरी, बिगर डिस्प्ले, सबसे बेस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले, अच्छा खासा प्रोसेसर, 5G प्रोसेसर और उसके साथ 13 5G बैंड भी देखने को मिलता है, मतलब एक ऑलराउंड स्मार्टफोन में जो जो भी चीज होना चाहिए सब कुछ देखने को मिलता है। लेकिन जो आईक्यू Z3 है तो बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन, लेकिन ये जो मोटोरोला का स्मार्टफोन लॉन्च होने से पहले मैंने बहुत लोगों को कहा था कि 21,000 या फिर 22,000 रुपए पे ऑलराउंड स्मार्टफोन है आईक्यू Z3। लेकिन आज मोटोरोला के ये स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद मैं सभी को ये चीज कहूंगा, अभी 22,000 में एकदम ऑलराउंड स्मार्टफोन है मोटोरोला H20। ये जो आईक्यू Z3 ये अभी बन चुका है ऑलराउंड गेमिंग स्मार्टफोन। वैसे भी आप मुझे जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर आपका बजट है 22,000 रुपए के अंदर तो आप कौन सा लेना चाहेंगे, मोटो या फिर आईक्यू, ये मैं जरूर देखना पसंद करूंगा। और हाँ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, इस वीडियो पे भी मैं पिछले वाले वीडियो के जैसा डिजिटल गिव अवे करने वाला हूँ। डिजिटल गिव अवे मतलब 5 रुपए के अंदर आइदर गूगल का भाउचर या फिर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट का भाउचर या फिर अगर आप पबजी जैसा गेम खेलते तो उसके लिए यूसी या फिर अगर आपको डायरेक्ट UPI कैश चाहिए जो कि मेरे लिए बहुत ही आसान होगा, मैं आपको वो सेंड कर दूंगा। तो इसका रूल क्या होगा, आपको इस वीडियो को एक लाइक करना है और अपने कोई ना कोई ग्रुप में इसे एक बार शेयर करना है। और दूसरा रूल, एक पॉजिटिव कमेंट इस वीडियो के नीचे करना है जिससे कि YouTube उस कमेंट को हाइड ना कर दे। तो उसके बाद जैसे इस वीडियो पे टोटल लाइक 85 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में से आप में से किसी एक का नाम लूंगा रैंडम कमेंट पिकर के जरिए। आप में से जिनका नाम निकलेगा मैं उन्हें पर्सनली कॉन्टेक्ट कर लूंगा, उसके बाद उन्हें 5 रुपए के अंदर जो भी रिवॉर्ड चाहिए मैं उन्हें वो सेंड कर दूंगा। अगर आप UPI कैश लेते तो मेरे लिए सबसे ज्यादा आसानी होगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट UPI to UPI सेंड कर पाऊंगा। ये बस मैं आपको एक छोटा सा चॉइस दे रहा हूँ, बट आपको 5 रुपए के अंदर जो भी चीज चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो यही दरअसल होगा गिव अवे का रूल, और मैं उम्मीद करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और हाँ, बिल्कुल सेम गिव अवे आज एक दूसरे वीडियो पे भी आने वाला है, वो वीडियो देखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलता अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।